आगर मालवा को शिवराज की सौगात, करोड़ों के विकास कार्यों का किया लोकार्पण, रेल सुविधा देने का भी कर दिया वादा। 1,246 करोड़ से अधिक लागत के 14 परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है और 60 करोड़ की लागत के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आगर मालवा पहुंचे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संत शिरोमणि रविदास जी की चरण पादुका का भी पूजन किया। इसके बाद जन दर्शन यात्रा की। छावनी नाका क्षेत्र से शुरू हुई सीएम की जन दर्शन यात्रा विजय स्तंभ चौराहा पर खत्म हुई। इसके बाद सीएम सभा स्थल पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा स्थल पर 1000 करोड़ से ऊपर के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, बल्कि लाडली बहनों का पुष्प बरसाकर स्वागत भी किया। सीएम के आगरमालवा दौरे के दौरान कांग्रेस से पूर्व विधायक रहे रामलाल मालवीय बीजेपी में शामिल हो गए। मालवीय ने मुख्यमंत्री के सामने बीजेपी की सदस्यता ली, तो वहीं सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने आगर को जिला बनाया था, अब रेल की सुविधा देकर इसे पूर्णता भी मैं ही दूंगा। आगर को जिला भी मैंने ही बनाया था और रेल से लेके बाकी काम करके आगर के विकास को पूर्णता भी मैं ही दूंगा। अभी विकास पर्व चल रहा है, समरसता यात्रा भी आई हुई है, संत रविदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम। ऐसा चाहूं राज में जहां मिलई सबई को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज में चाहता हूं जहां कोई भूखा ना सोए, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल और कल्याण हो। और आज मुझे बताती हुई प्रसन्नता है कि आगर जिले में 1,246 करोड़ से अधिक लागत के 14 परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है और 60 करोड़ की लागत के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन। 1,200 करोड़ की एक कुंडलिया, इसमें लगभग 1,00,000 एकड़ जमीन में सिंचाई होगी, 146 गांव में सिंचाई होगी और किसानों के खेतों में फसलें लहलहाएगी, सुख समृद्धि आएगी और प्रधानमंत्री जी का सपना भी पूरा होगा, पर ड्राप मोर क्राप, क्योंकि पाइपों से हम पानी लाने का काम करेंगे। सीएम ने आगे कहा, आगर मालवा की सड़कों पर आप सबने फूलों की वर्षा कर मेरा स्वागत किया। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा। आज आगर की सड़कों पर जनता का प्यार और आशीर्वाद की ऐसी वर्षा हुई कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। माताओं ने, बहनों ने फूल बरसाए। मैं आपको वचन देता हूं मेरी बहनों, आपने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया, ये भाई तुम्हारी जिंदगी में कांटे नहीं रहने देगा। यात्रा के दौरान सीएम ने कई जगह अपना रथ रुकवाकर लोगों से चर्चा भी की। उनके साथ रथ में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और जिले के प्रभारी यशोधरा राजे सिंधिया भी मौजूद थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर में दर्शन भी किए थे। इसके बाद संत रविदास की चरण पादुका का पूजन कर रोड शो शुरू किया। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।